क्वेश्चन है कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, क्वेश्चन में है कि यहाँ पर जितने भी फ्रैक्शन दिए हुए हैं, हमारे पास 5 फ्रैक्शन दिया हुआ है, इस फ्रैक्शन को क्या करना है, इसको चेंज करना है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। ठीक है, किस में चेंज करना है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। यानी कि आज इस वीडियो में हम लोग जो है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं मिक्स फ्रैक्शन को, मतलब मिक्स फ्रैक्शन इंटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन चेंज करना जो है वो हम लोग सीखेंगे इस वीडियो के माध्यम से। यहाँ पर टोटल हमारे पास 5 मिक्स फ्रैक्शन दिया हुआ है जिसको चेंज करना है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। ठीक है, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं, क्या तरीका होता है चेंज करने का, वो देखिए। सबसे पहले क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं और देखते हैं क्या तरीका होता है। तो इसमें क्या है कि 5 जो है यहाँ पर एक दिया हुआ है, इंटीजर दिया हुआ मतलब होल नंबर दिया हुआ है, और एक फ्रैक्शन लिखा हुआ है जिसमें ऊपर का जो ये 5 है ये जो आपका है न्यूमरेटर है, और ये जो नीचे लिखा हुआ है वो डिनोमिनेटर है। तो क्या करना है कि ये जो मिक्स फ्रैक्शन का जो इंटीजर दिया हुआ है, होल नंबर दिया हुआ है, इस होल नंबर को मल्टीप्लाई करना होता है इसके डिनोमिनेटर से, मतलब 7 से। ठीक है, और प्लस कर देना है इसके न्यूमरेटर को, न्यूमरेटर में भी इसका 5 लिखा हुआ तो प्लस करना है न्यूमरेटर को, और डिवाइडेड बाय इसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर जो भी रहता है नीचे हम लिखा हुआ वही 7 जो है हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं। तो क्या करते हैं, 7 × 5 करते हैं, 7 × 5 = 35, और प्लस कर देंगे 5, कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। 40 बाई यहाँ पर नीचे में फ्रैक्शन में 7 लिखा हुआ था डिनोमिनेटर में, तो 7 लिख देंगे, तो इसका जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा वो होगा 40/7। ठीक है, इस तरीके से हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो ये वाला जो पार्ट यहाँ पर लिखे हैं हम यहाँ पर, ये जो पार्ट लिखा गया है 5 × 7 + 5, ये वाला चीज आपको नहीं लिखना है, आपको डायरेक्ट ये वाला आंसर लिखना है। ठीक है, इसी तरीके से दूसरे को हम लोग सॉल्व करके देखते हैं। तो 9 को और 8 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 8 जो होता है 72, अब प्लस कर देंगे इस वाले 3 को तो कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा। अब बाई नीचे 8 लिखा हुआ है तो 8 लिख देंगे, 75/8। ठीक है, इस तरीके से ये भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज हो गया। ठीक है, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है वो भी पहले जान लीजिए कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता क्या है। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वो होता है जिसका न्यूमरेटर जो होगा, ऊपर वाला पार्ट जो होगा वो बड़ा होगा और नीचे वाला पार्ट जो होगा ऊपर वाले से छोटा होगा, उसको कहा जाता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज हो गया है। इसको चेंज करना तो क्या करना है, 6 को मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से, तो 6 × 10 = 60 हो जाता है, प्लस कर देंगे 3 तो कितना हो जाएगा 63, और बाई हो जाएगा नीचे में 10, ये भी चेंज हो गया मिक्स फ्रैक्शन में। इसी तरीके से अगले को भी कर सकते हैं, 11 को मल्टीप्लाई करना है 3 से, 11 × 3 = 33, और 33 में 5 प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 38 हो जाएगा, तो 38/ इसको लिख सकते हैं 11, ये भी मिक्स फ्रैक्शन जो था वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज हो गया। इसी तरीके से इसको भी कर सकते हैं, कितना भी बड़ा नंबर हो 10 को मल्टीप्लाई कर देंगे 14 से तो हो जाएगा 140, और 140 को प्लस कर देंगे 9 तो कितना आ जाएगा 149, और डिवाइडेड बाई नीचे 14 है तो यहाँ पे हो जाएगा 14, तो 149/14 जो है इसका हो जाएगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन दिया हुआ हो जिसको आपको चेंज करना है मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, उसको आप आसानी से इस मेथड के द्वारा जो है सॉल्व कर सकते हैं। बाकी अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। थैंक यू।